व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में करेंगे आईफोन 14 प्रो को अनबॉक्सिंग। जैसे कि अनबॉक्स हो चुका है इंस्पायर मी, जैसे देख सकते हैं इंस्पायर मी अनबॉक्स हो चुका है। कल ही मैंने इसको परचेस किया है, जो फुल MRP है 129,900। देख सकते हैं फुल कार्ड पेमेंट से एकदम स्वाइप करके हो गया अपना। देख सकते डीप पर्पल लिया है, 128 GB है। तो इसको तो अनबॉक्सिंग हो चुका है, फिर भी दिखा देते हैं। सब सेटअप वगैरह सब कर लिया मैंने, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका क्विक अनबॉक्सिंग और रिव्यू दे देते कैसा गया, सब फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये इंस्पायर का बिल वगैरह है, जो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे हम बिल को बाजू में रख देते हैं। तो देख सकते हैं ये है फ़ोन अपना, डीप पर्पल, काफ़ी प्यारा लग रहा है। देख सकते पहले मेरा स्पेस ब्लैक लेने का था, तो कल गया था स्टॉक का, बहुत आउटेज है, तो स्पेस ब्लैक नहीं था, बस एक ही डीप पर्पल था, तो यही उठा लिया। ग्लोबल से तो अच्छा है, बेटर। ग्लोबल देख रहा था मैं, ग्लोबल में सिर्फ 8,000 का फ़र्क पड़ रहा था, 8-10 हज़ार का। तो उससे अच्छा ये इंडियन लेना ही बेटर है, क्योंकि तो ग्लोबल में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा बोलते, एक्टिवेटेड होकर आ रहा बाहर से, तो यही इंडियन ही बेस्ट है। देख सकते हैं, ऐसे देखेंगे तो आपको स्पेस ब्लैक लगेगा। वैसे है ये डीप पर्पल, थोड़ा लाइट में देख सकते, थोड़ा शाइनिंग होता है डीप पर्पल का जो फिनिश है। इसमें देखते हैं केस में भी दिया गया है सर फिनिश। ठीक है, तो फ़ोन को साइड में रखते हैं। देख सकते हैं एक्सेस वगैरह देख लेते हैं। ये इसका दिया गया टाइप सी, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका एक एडाप्टर भी मैंने ले चुका हूँ, एडाप्टर भी दिखा दूंगा। तो ये देख सकते हैं इसके बाद क्या क्या मिला है, सिम ट्रे वगैरह, कुछ मैनुअल्स वगैरह। एप्पल के एक ही स्टिकर, इस बार शायद एक ही स्टिकर दिया है लोगों ने, स्टिकर की कमी वगैरह शायद, थोड़ा अच्छा सेफ्टी के लिए वो लोग ने स्टिकर कम कर दिया है, बाकी अंदर तो कुछ नहीं है। चलिए इसके साइड में रखते बाकी बॉक्स। इस साइड तो ये इंडियन वाला है, ठीक है। तो देख लेते फ़ोन चलो, देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो चालू है इसका, ये जो फिनिशिंग देख सकते हैं। वैसे करके देखेंगे तो ये पूरा पर्पल लगता है, डीप पर्पल देख सकते हैं। और ऐसा करके देखेंगे तो मतलब कभी कभी ऐसा लगता है स्पेस ब्लैक ही है एकदम ऑलमोस्ट। तो व्यू मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से दिखाता है। देख सकते हैं स्टार्ट हो गया इसका सेटअप, काफ़ी प्यारा लुक है इसका। और ये जो नॉच देख सकते हैं, नॉच जो दिया गया है काफ़ी अच्छा है। तो 13 प्रो के हिसाब से इसमें थोड़ा सा पिक्सल भी ज़्यादा दिया गया है। इसका जो PPI है 440 PPI है कुछ, और रेजोल्यूशन भी 255 समथिंग है। तो इसका 6.1 इंच का जो डिस्प्ले देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा है। कैमरा में जो दिया गया है इस बार, जो 48 MP मेन कैमरा देख सकते हैं, 12-12, फिर इसमें टेलीफोटो 12-12, फिर अपना टेलीफोटो वगैरह दिया गया, टेलीफोटो लेंस काफ़ी अच्छा दिया गया फीचर्स। तो ये कैमरा के मामले में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। और सिनेमेटिक में भी 4K दिया गया, 30 FPS और 30 FPS दिया गया जहाँ तक। और वीडियो में तो वही है, सब देख सकते हैं 4K 60 भी दिया गया, तो था पहले से शायद। और सबसे खास बात इसमें जो दिया गया वो है एक्शन मोड, जो कि काफ़ी काम आने वाला है अपने को। और बाकी सब तो प्रॉपर ही है। और इसका जो ये है क्या बोलते हैं, फॉर्मेट्स में जाएंगे तो ये देख सकते हैं एप्पल प्रो, प्रो रेजोल्यूशन दिया गया 48 MP का है, जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है। देख सकते इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया गया, वो भी काफ़ी अच्छा है। जैसे वेक करते या फिर ऐसा आप ऐसे टैप करते ये और जाता है चलो, इसमें आप उसका ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे वो ऑलवेज ऑन का ऑप्शन होगा, देख सकते ये इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। और इसका हम लोगों ने अभी इसके एक्शन मोड वगैरह ट्राई किया था, देख सकते दिखाया था हमें। और ये है मैक्रो मोड का, जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और ये है 14 MP का, इसका साइज़ देख सकते हैं आप कितना है, 89 के आसपास है, 89 MP। पिक्सल भी काफ़ी अच्छा है, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जूम हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक्शन मोड दिखा देता हूँ, ये है एक्शन मोड वाला वीडियो दिखा देता हूँ। ये एक्शन मोड वाला है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्टेबल है, स्मूथ दिया गया। और ये बिना एक्शन मोड वाला है, देख सकते हैं थोड़ा सा स्मूथ है, मतलब ऑलमोस्ट अच्छा ही, लेकिन ये ज़्यादा ही मोशन में तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाएगा, देख सकते हैं। तो एक्शन मोड तो अच्छा है, iOS 16 इसके बाद प्री इंस्टॉल्ड है, तो बस इतना ही है। तो इसका जो ये देख सकते हैं, मैंने इसका 20 वाट का एक एडाप्टर लेना पड़ेगा, तो वो मैंने ले लिया पहले ही अमेजोन से, कुछ 1600 के आसपास मिला था मेरे को। इसका एडाप्टर देख सकते हैं आप, 20 वाट का जो एडाप्टर आता है उसके बाद,
तो ये अपने को मिल गया। तो ये आप तो ये टाइप सी से यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे ये पर्पल लैम्बोर्गिनी में चालू किया, इसमें होगा कि नहीं पता नहीं, ऑफिशियल ऐप में होता होगा, नहीं स्पॉटिफाई में अब तक इंटीग्रेट किया नहीं है। ऑफिशियल में हाँ हुआ था ऑफिशियल में भी दिया गया है, मतलब स्पॉटिफाई में भी देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं कितना अच्छा ये नॉइज मैक्सिमाइज हो जाता है। इसको आप टैप करके भी चालू कर सकते हैं। इंटरेक्ट मतलब जो ये नॉइज का जो इंटरेक्शन है काफ़ी अच्छा दिया गया फीचर इस बार आईफोन का। और बाकी तो वॉइस में भी होता है, जहाँ तक वॉइस की तरह वॉइस में भी आप देख सकते हैं, वॉइस में भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। ऐसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते रहे आप देख सकते हैं, ऊपर आ जाता है, काफ़ी प्यारा है ये। इसको आप प्रेस करके भी रख सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। ये काफ़ी अच्छा दिया गया है, ठीक है। हालांकि उतना यूज़ नहीं आऊँगा, लेकिन ठीक है फिर भी इंटरेक्शन के लिए। और ये जो हिट द एंड ऐप है, ये आप तो पता ही होगा, इससे वो नॉच के साथ आप खेल सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है नॉच का, ये कोई भी आईफोन में भी हो जाता है जिसमें नॉच है, नॉर्मल नॉच में भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी तो कैमरा चेक कर लेते हैं, इसका कैमरा देख सकते हैं, फोटोग्राफिक सेटअप स्टाइल वगैरह वो सेटअप लेटर कर लेंगे हम, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा विविड कलर है, कलर तो विविड दिया गया, देख सकते हैं इसका कलर विविड है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा दिया गया है। और इसके जो ये है अपना सिनेमेटिक मोड तो है इसमें, और सबसे खास बात जो है इसमें वीडियो में जो ये है एक्शन मोड देख सकते हैं। तो भी ज़्यादा इसमें तो पता नहीं चलेगा, फिर भी दिखा देता हूँ मैं ट्राई करके। पहले एक नॉर्मल निकाल लेता हूँ, नॉर्मल में एक निकाल लेता हूँ पहले, ठीक है, और एक एक्शन मोड में निकालता हूँ, ठीक है। तो ये अपना हो गया, ये हो गया बिना एक्शन मोड के, जो कि फिर भी स्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये एक्शन मोड में ये कुछ ज़्यादा ही स्टेबल है, देख सकते हैं एकदम फोकस हो रहा है। तो अभी इतना में नहीं पता चलेगा, जब वो आप वो वॉकिंग वॉकिंग करेंगे तब पता चलेगा, ऐसे नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो ये फीचर तो काफ़ी अच्छा है जो एक्शन मोड दिया गया। और A16 जो प्रोसेसर दिया गया बायोनिक चिप वाला, 4nm का नैनो चिप है, जो काफ़ी फास्ट है परफॉर्मेंस के हिसाब से। और बाकी इसमें जो देख सकते हैं यहाँ पे 3 जो मेन कैमरा दिया गया है, और ये अपना ट्रैकॉर्ड फ्लैश, फिर ये अपना लाइडर स्कैनर भी दिया गया है, आप देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और यहाँ पे जो टाइप सी का है, बाकी सब 13 प्रो जैसा, ये प्रो लुक एकदम सेम ही है। और सबसे खास बात है जो इंडिया में अभी इसमें फिजिकल सिम दिया गया है, जो जैसे कि आपको पता है US में जो सिम दिया गया, और इसमें फिजिकल और सिम दोनों दिया गया 5G सपोर्ट के साथ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है वैसे, बाकी सब तो एकदम प्रॉपर ही है। रिंगर वगैरह देख सकते हैं, इसको आप यहाँ से ऊपर बढ़ाएंगे तो ऊपर आ जाएगा। और इसके जो नॉच है काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग दिया गया। तो इतना ही बस, तो आज के इस वीडियो में, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑलराइट, सो पीस आउट।